मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड का 25 मई गुरुवार को रिजल्ट 12:30 बजे जो है घोषित होने वाला है। कई छात्रों के दिमाग में होगा कि रिजल्ट गाइड पे किस साइड पे जाके चेक करते हैं। हमारे साथ में है खुद जिला शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर मौजूद है। बात करें सर, अगर छात्र देखना चाहे तो किस साइड पे जाके वो देख सकते हैं? कल माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हमारी हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा का रिजल्ट कल 12:30 बजे घोषित होगा और रिजल्ट छात्रों को देखने के लिए लगभग 11 प्रकार की वेबसाइट दी हुई है। उनमें से किसी में भी छात्र चयन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसमें जैसे mprizult.nrc.in पर है, उसके बाद mpbsc.mponline.gov.in है, mpbsc.nrc.in है और इस प्रकार की 11 वेबसाइट है। कुछ न्यूज़ चैनल भी है जैसे www.newsmp18.com, mprizult.shiksha.com। इस प्रकार की लगभग 11 वेबसाइट है और ये 11 वेबसाइट को हमने सभी प्राचार्य को पहुंचा दिया है। प्राचार्य द्वारा जो छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसमें भी डाल दिए हैं। प्रेस विज्ञप्ति भी मंडल द्वारा भी जारी कर दी गई है, हमारे द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। कल शायद ये प्रेस विज्ञप्ति पेपर में भी आई थी। तो छात्र को इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, उधर भटकने की बहुत आराम से इन 11 वेबसाइट में देख सकते हैं। कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी? लगभग 13,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी और सभी छात्रों को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। उनका परीक्षा का परिणाम अच्छा है और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और यदि किसी कारणवश किसी छात्र का परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत उसकी जो अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता है तो छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है, परीक्षा तो जीवन भर चलती रहती है, इसलिए आगे प्रयास करें और अच्छा परिणाम पाने के लिए। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी की रवि माली से हमने बात करने की कोशिश की। कहा कि जिस साइट पर आपको रिजल्ट देखना है तो हमें बता दिया, इन साइट पर आप जाकर जो है सर देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आता तो इनकी मतलब है कि ये जीवन की आपकी परीक्षा तमाम बड़ी खबरों के लिए बन रहे ये जीवन।